नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बच्चों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब मैं अपने मुख्य अतिथि चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों से दो शब्द कहें। आइए। प्यारे बच्चों, नौनी हालो, भारत माता की बगिया के फूलों, मैं दो शब्द की जगह चार शब्द बोलूंगा। वही चार शब्द जो तुम लोग बोल रहे थे, यानी भारत माता की जय। अब मुझे बताओ, भारत माता की जय इसका मतलब क्या है? खासकर भारत माता इसका मतलब क्या है? जो मुझे बता सकेगा मैं उसे इनाम दूंगा। ये क्या बच्चों, जिस भारत माता की तुम लोग जय जयकार कर रहे थे इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम क्या? इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो भारत माता का मतलब जानता हो? जाओ ना, जाओ। मैं बता सकती हूँ। आओ माधुरी, आओ आओ। चौधरी साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। मैंने पहचान लिया। हाँ बोलो बेटी, अगर तुम्हें इसका मतलब मालूम हो तो हो सकता है ये पुरस्कार तुम्हें ही मिल जाए। बोलो। भारत माता का मतलब है हमारा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, इसमें जो कुछ भी है, बाइबल, कुरान शरीफ, गीता, ये सब कुछ भारत माता है। भारत माता देश की आत्मा का नाम है, वो महान आत्मा जिसकी पूजा भगवान और माँ की तरह की जाती है, तभी तो वो भारत माता कहलाती है। सब मिलकर एक साथ बोलो, भारत माता की जय। जय। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अपनी माधुरी दीदी को ना पुरस्कार मिला है, इनाम, और इनाम देने वाले खुद घर पे चल के आ रहे हैं। क्या? हाँ माँ, देखो, चलो चलो, आ रहे हैं वो लोग गाड़ी में। माँ बेटिया, आइए। गंगा बहन, यही है चौधरी साहब जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। चौधरी साहब, आपने आपने आने की खबर तो थी होती। मैं तो बहन जी, आप परेशान मत होइए। दरअसल हेडमास्टर जी ने आज हमें स्कूल में बुलाया था, हमने सोचा क्यों ना दोनों काम साथ कर लें। काम? कौन सा काम? मैं बताता हूँ बहन जी, मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि ये गांव की है और गांव की सुंदरता में ऐसी एक पवित्रता, महानता है जो शहरों में नहीं है। हमारा एक ही बेटा है, तो हम लोगों ने माधुरी की तस्वीर देखकर कुछ सोच लिया था, और फिर माधुरी की सुंदरता के साथ उसकी अकलमंदी देखकर पूरा सोच। क्यों जी? बेटी, अब हमारा पुरस्कार देने का वक्त आ गया है। हम अपना इकलौता बेटा तुम्हें पुरस्कार में देना चाहते हैं। बहन जी, अगर आपको इतराज ना हो तो ये शादी पक्की है। चौधरी साहब, मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। इस गरीब की बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माधुरी ने बहुत पुण्य किए होंगे बहन जी। पहले दहेज की बातचीत हो जानी चाहिए। चौधरी साहब, ये क्या दहेज? और आप? हाँ, दहेज मुझे चाहिए, क्योंकि दहेज हमारी सभ्यता का एक विशेष अंग है। 25 साल शहर में रहकर भी मैं अपनी सभ्यता को नहीं भूला। दहेज में मुझे चाहिए करेले की भाजी, अरहर की दाल, दम के आलू, हरी मिर्ची का अचार, और अंत में चखा लेने से पहले खीर जिसमें किशमिश वगैरह वगैरह पड़ा हो। जी हाँ, दहेज में मुझे चाहिए एक वक्त का खाना,
माधुरी के हाथ का बना हुआ। वाह बहन जी, सूरत और सीरत दोनों हैं आपकी बेटी में। खाना जो बनाया है ना, मैं सालों तक उंगलियां चाटता रहूंगा। आप उंगलियां ही चाटते रहेंगे या ब्याह का मुहूर्त भी निकलवाएंगे? मैं बेवकूफ हूँ क्या? यहाँ आने से पहले पंडित से मिलकर शादी की तारीख भी पक्की करी है। अगले मंगलवार बड़ा ही शुभ दिन है, तो आपको कोई इतराज तो नहीं है बहन जी? इतराज कैसे होगा चौधरी साहब, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। सर सर, मेरे भी भाग खोल दीजिए। होने वाले जीजा जी के दर्शन कराकर दीदी ने आपके सवाल का जवाब दिया और आपसे इनाम पाया। मैं अपने जीजा जी से सवाल पूछूंगा और पास होने पर उन्हें इनाम में दूंगा अपनी दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी चलो हमारे साथ। मास्टर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आप ही की वजह से मेरे बेटे की किस्मत खुल गई। अमित, तुम्हारा होने वाला साला तुमसे मिलने आया। मतलब? हाँ बेटे, मैंने लड़की देख ली और शादी भी पक्की कर ली। और होने वाला साला भी पक्का कर दिया? कच्चा काम तेरा बाप करता ही नहीं। सुन, तेरा होने वाला साला तेरा इंटरव्यू लेना चाहता है। इंटरव्यू? हाँ, गांव का भोला भाला बिल्कुल मासूम बच्चा है, तू जानबूझ कर हार जाना, बेचारा खुश हो जाएगा। मैं तो पहले ही हार चुका हूँ पिताजी। गुड, वेरी गुड। श्रीकांत आया जी। श्रीकांत, जीरा जी, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये हमारे खानदान की परंपरा है। वाह जीरा जी, आप तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लगते हैं। मेरी दीदी कितनी नसीब वाली है। आखिर बेटा किसका है? चलो श्रीकांत, जो पूछना है पूछ लो। जीरा जी, मेरा पहला सवाल, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? ये तो बड़े स्टूपिड सवाल है। अरे वाह वाह, क्या इंटेलिजेंट सवाल है, बोलो हमें जवाब दो। ये तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि अगर हिमालय ना होता तो बाहर की सेनाएं हमारे देश पे हमला कर देती। वाह 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 जीरा जी, आपका जवाब नहीं है, वेरी स्मार्ट। अब दूसरा सवाल, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? बताइए। क्या? हाँ हाँ बताइए, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? क्या? हाँ हाँ, अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? ओहो, अगर हिमालय ना होता तो ठंडी हवाएं हमारी देश की फसलों को बर्बाद कर देती, जैसे मैं बर्बाद हो रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे जीरा जी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं आपको 100 में से 101 नंबर देता हूँ। अब मेरा तीसरा सवाल, ये जरा मुश्किल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता? वाह वाह, क्या फंसाया श्रीकांत ने। बोलो बेटा, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं हार गया हूँ पिताजी, आपसे भी और आपके होने वाली बहू के छोटे भाई से भी। मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तो मैं बताता हूँ, अगर हिमालय ना होता तो तेंदुआ किस पे चढ़ता? अभी क्या बात है, तुम बार बार आँख क्यों मार रहे हो? ये क्या मिस्ट्री है? मिस्ट्री नहीं, अपशगुन है। कहते हैं कि जब एक आँख फड़फड़ाती है तो अशुभ होता है, मेरी तो दोनों आँखें फड़फड़ा रही हैं। तुम्हें कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, सारे शहर में आंख की बीमारी फैली है। चलो चलो, मैं आई ड्रॉप डाल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आई ड्रॉप सब अपनी आंखों में डाल लीजिए, क्योंकि जिस तरह सब चल रहा है ना, हिमालय ना होता तो क्या होता, अगर आप अपनी आंखों में दवा डाल लेंगे तो मेरी आंखें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बेटे, मैं तो नजर की बात कर रहा हूँ, तुम नजरिए की बात कर रहे हो। चलो शिखर, खाना खा लो, चलिए।